रामगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि रामगढ़ प्रखंड के लोदमा गांव और बूढ़ा खोखरा जो कि नक्शे से गायब है, ऑनलाइन में भी इन दिनों गांव का जिक्र नहीं है, जिस कारण इन दोनों गांव में किसी भी तरह की बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के द्वारा इस संबंध में कई बार उच्च स्तरियों को इस संबंध में पत्राचार के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गई, लेकिन आज तक इनके समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा चुनाव का भी बहिष्कार किया गया, फिर भी आज तक यह दोनों गांव के लोगों का समस्या दूर नहीं हुआ तथा तमाम प्रकार की बुनियादी सुविधाएं सहित कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के ग्रामीणों को। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 30 जुलाई को रामगढ़ जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया जाएगा। धरना के माध्यम से रामगढ़ जिला उपायुक्त को इन दोनों गांव के लोगों के समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की जाएगी। साथ ही प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर धरने से इन गांव वालों के समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो हमारी पार्टी और भी उग्र आंदोलन करेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जिसके जिम्मेवार जिला प्रशासन होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कार्यालय में किया गया रामगढ़, जिसमें कि रामगढ़ प्रखंड के लोदमा गांव जो कि कुंडू कला में स्थित है और बूढ़ा खोखरा गांव, ये दोनों गांव यहां के पंचायत के नक्शे से लुप्त है, जिसका कि ये ग्रामीणों द्वारा और हम कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये मांग करते हैं कि इन गांवों को पंचायत में जोड़ा जाए ताकि सरकार के द्वारा मिलने वाली जो भी मूलभूत समस्या मतलब सुविधाएं हैं वो ग्रामीणों को मिल सके। और पिछले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी ये दोनों गांव ने अपना वोट बहिष्कार किया, इसके बावजूद कोई भी पदाधिकारी अभी तक इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है, जिसका हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन डीसी समन्वय में। आज जो संवाददाता सम्मेलन हम लोगों ने बुलाया है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि तीन चार सालों से रामगढ़ प्रखंड के दो गांव लोधमा और रामबूढ़ा खोखरा जो विलेज मैप से उसे गायब हो गया है, उसे फिर से उन लोगों ने कई बार उच्च अधिकारियों को लिखा, डिमांड वहाँ पे अपनी रखी, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। मैप में नहीं रहने से वो ऑनलाइन भी नहीं दिख रहा दोनों विलेज, और जितना तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं हो पा रहा, ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, और भी कई तरह की समस्याएं से है उनके पास। आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने विगत दिनों लोकसभा का जो चुनाव सम्पन्न हुआ उसमें वोट बहिष्कार तक उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों ने इस संबंध में कोई ठोस पहल नहीं की। इसी के उद्देश्य हम लोगों ने दिनांक 30/7 को जिला कार्यालय उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, और इस धरने के माध्यम से हम लोग अपने मांग पत्र सौंपेंगे। बात ये है जैसे कि अभी हमारे मुकेश जी बता रहे थे कि मंत्री रहने के बावजूद लगातार 15 साल से चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ के मंत्री हैं, और जिस तरह से दो गांव नक्शे से गायब हो गए इससे पता चलता है कि विकास की गति क्या हुई इस चोरों की सरकार में। हम इन पदाधिकारियों को बोलना चाहते हैं या तो यह सुधर जाए, नहीं तो हम लोग संज्ञान लेके और इन पदाधिकारियों के बीच अहम मुहिम चलाएंगे और इनके साथ लड़ने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी की जितनी भी गलतियां हैं, इस चोर की सरकार की जितनी भी गलतियां हैं, इन सारी खामियों को हम लोग डीसी का घेराव करके सारी खामियों को बताएंगे।
क्या आप गंजेपन और झड़ते बालों की समस्याओं से हैं परेशान? तो निराश होने की जरूरत नहीं, अब आपकी समस्याओं का संपूर्ण समाधान आपके शहर रामगढ़ में। तो संपर्क करें प्रोकेयर, प्रथम तल्ला, गांधी स्कूल के अपोजिट, शिवाजी रोड, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। हमारा संपर्क नंबर है 8789494007, 8809345245। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है